मत्स्य पालन गांव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोहलांता आइलैंड फिशिंग विलेज के बारे में। कोहलांता पुराना शहर कोहलांता याई के पूर्वी किनारे के तट पर स्थित एक पारंपरिक मछली पकड़ने वाला गांव है और निश्चित रूप से इसे याद नहीं करना चाहिए। पश्चिम सड़क को दक्षिण की ओर ले जाएं और फिर पूरे द्वीप को काट लें और दक्षिण की ओर बढ़ते रहें। वहां आपको स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय के पारंपरिक लकड़ी के घर साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प बिक्री के लिए मिलेंगे। मोटरसाइकिल किराए पर लेना सबसे अच्छा विचार है, क्योंकि आप अपना समय ले सकते हैं और रास्ते में दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। लांता ओल्ड टाउन चीनी व्यापारियों, मूल थाई मछली पकड़ने वाले परिवारों और एक प्राचीन समुद्री जिप्सी समुदाय के साथ क्षेत्र के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध गांवों में से एक है। कई साल पहले कोहलांता के ओल्ड टाउन ने द्वीप के लिए बंदरगाह और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में काम किया और फुकेत और सिंगापुर के बड़े बंदरगाहों के बीच नौकायन करने वाले अरबी और चीनी व्यापारिक जहाजों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह प्रदान किया। चरित्र और वातावरण से भरी इस जगह में देखने के लिए बहुत कुछ है। मैंग्रोव वन, चावल के खेत, गुलाबी झींगा फार्म और द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों के असाधारण दृश्य। वनस्पति और जीव प्रचुर मात्रा में हैं। सड़क के बीच में धूप सेंकते हुए एक या दो इगुआना का आना असामान्य नहीं है। कोहलांता ओल्ड टाउन काफी हद तक वही रहा है जो इतने सालों पहले था, एक विस्तारित मछली पकड़ने वाला गांव जहां थाई जीवन उस तरह से चलता है जैसे उसने वर्षों और वर्षों से किया है। द्वीप के इस हिस्से की यात्रा आपको स्थानीय थाई समुदाय के भीतर वास्तविक जीवन का स्वाद देगी। स्थानीय लोगों की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए निश्चित रूप से सावधान रहें और कोई भी फोटो लेने से पहले अनुमति मांगें। ये लोग आपका अपने गांव में स्वागत करेंगे, लेकिन अजनबियों से सामना होने पर अक्सर बहुत शर्मीले होते हैं। साथ ही आप अपनी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखें।